फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी है। बहुत ही कम तेल में आप ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं और ये ऐसा नाश्ता है बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। आप इसे शाम की चाय के समय भी तैयार कर सकते हैं, जब बच्चों को हल्की फुल्की भूख होती है उस समय भी आप ये नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। बहुत ही चीजी क्रीमी सा नाश्ता है और बहुत टेस्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप इस रेसिपी को जरूर तैयार करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी ट्रिपी। तो आज जो नाश्ते की रेसिपी है वो हमने तैयार की है सूजी से। तो मैंने यहाँ पर ली है 1 कप सूजी। इसके लिए मोटी या बारीक कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस सूजी को हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे, बड़े बाउल में डालें। अब हम इसमें मिक्स करेंगे दही। तो आप इसके लिए फ्रेश दही लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मेरे पास काफ़ी गाढ़ा दही है तो मैंने 1/2 कप दही लिया है। अब मैं इसमें 1/2 कप ही पानी मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करेंगे, दही से सूजी थोड़ा सा फूल जाएगी डालने से और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी पूरा डाल दिया है। तो देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो अभी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मिक्स करते हुए, तो इस समय पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर लेती हूँ। तो मैंने 2 चम्मच के करीब पानी इसमें और मिक्स किया है। तो अब हम इसे ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। और इतने में हम अपने इस नाश्ते के लिए जो स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है वेज मेयोनीज। 2 बड़े चम्मच मेयोनीज के लिए हैं। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं या मेयोनीज की जगह आप चीज भी ले सकते हैं। तो कुछ भी ऑप्शन आप जो भी लेना चाहें इसमें यूज कर सकते हैं। और लिया है 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर। अब इसमें मिक्स करेंगे हम शिमला मिर्च, कैप्सिकम बारीक कटी हुई। 2 से 3 बड़े चम्मच कैप्सिकम मैंने ऐड की है। बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। इसमें सब्जी भी आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। कॉर्न डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं। जो भी सब्जी बच्चे पसंद करते हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। पनीर या चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसमें डाल रहे हैं ऑरिगेनो। आप इसमें कोई मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून 1/2 चम्मच। और 1/4 टीस्पून लिया है नमक। नमक हमने थोड़ा कम ही लिया है क्योंकि मेयोनीज में भी नमक होता है और हम जो सूजी हमने भिगोई है उसमें भी हम नमक डालने वाले हैं। 1/2 टीस्पून लिया है चिली फ्लेक्स। और अब ये सभी चीजें मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कम तेल में हम इसे बना सकते हैं। तो सुबह में या फिर आप शाम की हल्की फुल्की भूख में किसी भी समय ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं। देखिए सूजी काफ़ी फूल गई है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। बैटर हमारा कितना थिक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ठीक कर लेते हैं। सूजी का बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं, बस इस तरीके का हमें बैटर चाहिए। तो हमारा सूजी का बैटर भी रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं नमक। यहाँ पर भी मैंने 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें मिक्स कर सकते हैं। और साथ ही अब हम इसमें डालेंगे इनो फ्रूट साल्ट। तो हमने 1 सैशे लिया है इनो का।
एक छोटा चम्मच इनो हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब एक चम्मच इसके ऊपर पानी डालेंगे इसको एक्टिव करने के लिए। जो हम इनो डाल रहे हैं वो सूजी में बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। तो अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी सूजी का जो बैटर है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमने एक पैन रखा है गैस पर, इसके लिए कोशिश करें नॉनस्टिक पैन ही लें, उसमें ये ज़्यादा अच्छा बनता है। और आधा चम्मच ऑयल हमने पैन में डाला है और ब्रश से उसे अच्छे से फैला लेंगे। अब जो हमने सूजी का बैटर तैयार किया था, एक चम्मच से हम उसे सूजी के बैटर को फैलाएंगे और बहुत पतला नहीं रखना है हमें, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे इसको। इसके ऊपर हमने डाली है टमाटो केचप, उसे भी हम बीच में सेंटर में थोड़ा सा फैला लेंगे, इससे बच्चों को बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और अब जो मेयोनीज वाला हमने स्टफिंग तैयार की थी जिसमें वेजिटेबल और मेयोनीज डाली थी, उसको हम इसके ऊपर स्टफ करने के लिए फैला लेंगे। तो बीच में हम इसे रखेंगे, कॉर्नर्स पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बीच में रखेंगे, एक से डेढ़ चम्मच इसमें भर के अच्छी तरह से। फिर दोबारा से सूजी का बैटर हम इस मेयोनीज वाले बैटर के ऊपर फैला देंगे, पतला पतला हम इसे फैलाएंगे और इसे पूरी तरह से कवर कर देंगे। देखिए तो जो हमारी स्टफिंग थी वो बिल्कुल पूरी तरह से कवर हो गई है। और अब हम ढककर इसको थोड़ा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। करीब 2 से 3 मिनट के अंदर ही अच्छे से गोल्डन हो जाएगा और गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। तो जब ये गोल्डन हो जाएगा तब हम पैन को खोल लेंगे और इसको पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर नीचे से ये अच्छे से सिक गया है, ऊपर से अभी आपको लग रहा है थोड़ा कच्चा है। इस तरह से हम उसे आराम से पलटें और पलटते हुए जो साइड में फैल गया है ना उसको भी हम स्पैचुला से इसी में इकट्ठा करके उसे राउंड शेप दे देंगे। दोबारा से इसको कवर कर देंगे, इसको गोल्डन होने तक फिर से हम इसे सेक लेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद हम एक बार फिर से इसको पलट लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है इसको बनाते हुए। तो देखिए दोनों तरफ से इसमें लाइट गोल्डन कलर आ गया है और अच्छे से गोल्डन कलर लाएंगे और थोड़ा सा हम इसे क्रिस्पी भी बनाएंगे। ये बाहर से तो क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक गया है, ऊपर से कितना क्रिस्पी है। और लास्ट में हम इसे खोल कर पका रहे हैं ताकि अच्छे से क्रिस्प बना रहे। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से अब हम अपना सारा नाश्ता तैयार कर लेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी है खाने में। और केवल 1 चम्मच ऑयल इसको बनाने में लगा है, बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं हुआ है। सब्जियां आप अपनी पसंद से ले सकते हैं इसमें, जो भी आप ऐड करना चाहें। और कितनी जल्दी हमारा जो ये नाश्ता है बनके तैयार हो गया है, सूजी का बहुत ही कम तेल से बना हुआ ये चीज़ी सा क्रीमी सा नाश्ता जो बच्चे और बड़े सभी को पसंद आता है। अब मैं आपको इसे काट कर दिखा देती हूँ कि देखिए कितना सॉफ्ट है ये अंदर से और खाने में ये बहुत टेस्टी है। देखिए अंदर से जो सब्जियां स्टफ की है ना उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है इसमें, कितना सॉफ्ट है ये। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही चीजी क्रीमी और बहुत ही कम तेल में बना हुआ सूजी का नाश्ता। तो चलिए आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और साथ ही आप इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये बिना तेल का बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ।